नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी जेई पार्ट ऑफ अन अकेडमी में। तो दोस्तों आज हम प्लेन मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपको हर दिन के छोटे छोटे फार्मूलाज दूंगा जो आपके एग्जाम में बहुत काम आते हैं, बोर्ड्स के लिए भी है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी है। तो आज प्लेन मिरर के में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज प्लेन मिरर में सीखने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको एक प्रोसेस बता दूं, फार्मूला बता देता हूं, फिर डायरेक्ट तरीका बताता हूं कैसे बहुत आसानी से आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लेन मिरर में निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए हम आगे देखते हैं कैसे हम लोग क्या करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। तो कुछ बातें ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्लेन मिरर है, यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है v नॉट, ठीक है। ये मिरर की कुछ वेलोसिटी होगी, ये अभी रेस्ट पे है, तो यहां से कुछ दूरी पे इमेज भी होगा। आप खुद सोचो कि जब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो ये जो इमेज है वो इधर आएगा, तो कुछ वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा, कुछ वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, इमेज होगा। अब इसको कैसे निकालते हैं, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट फार्मूला याद रखना चाहता है, तो फार्मूला क्या होगा ध्यान से देखिएगा, VOM is equal to minus VIM. VOM is equal to minus VIM. What is VOM and what is VIM? VOM क्या है? VOM है velocity of object with respect to mirror, मतलब VO minus क्या है? VM है. And VIM क्या है बच्चों बताना? ये है आपका velocity of image with respect to mirror, मतलब VI minus क्या हो जाएगा? ये VM हो जाएगा, ठीक है। तो ये formula अगर आप याद रखते हैं, ये वाला formula, तो आप बहुत आसानी से वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हैं मिरर के रेस्पेक्ट में। तो इस पे मैं मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूं ताकि बहुत ही आसान हो जाएगा। मान लीजिए मिरर रखा हुआ है, मिरर की स्पीड है, मिरर की स्पीड इधर है 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इधर है 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ, ऑब्जेक्ट की इधर है तुम्हारी कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। आपको इमेज की वेलोसिटी निकालनी है जो कि नहीं पता है किधर जा रही है, इमेज की वेलोसिटी आपको निकालनी है जो कि नहीं पता है। तो क्या करेंगे फॉर्मूला यूज, वी OM is equal to minus VIM, ये formula use करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, VO minus VM is equal to minus VI minus VM, ठीक है। VO कितना है, 4 उधर जा रहा है तो I cap लगा दें, minus VM कितना है, 2 उधर जा रहा है तो I cap लगा दें, equal to माइनस वीआई, तो आपको पता नहीं है तो इसको वीआई लिखे माइनस, यहां पे 2i कैप फिर से लिख दें, तो यहां पे 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2i कैप इज इक्वल टू माइनस वीआई, माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस 2i कैप हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा बच्चों ध्यान से देखना, कितना हो जाएगा ध्यान से देखना, क्या ये अगर यहां पे निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि इमेज की यहां पे कोई वेलोसिटी नहीं होगी, इमेज की यहां पे कोई वेलोसिटी नहीं होगी अगर हम इस फार्मूला को लाके यूज करते हैं तो, ठीक है। तो ये फार्मूला से आप लोग किसी भी चीज, किसी भी इमेज की वेलोसिटी निकाल सकते हो। एक और तरीका है, ध्यान से सुनना, जब मिरर रेस्ट पे है, जब मिरर कहां पे है, रेस्ट पे है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है v से, तो इमेज इधर आएगा v से, उल्टा आएगा, याद रखना, ठीक है। या अब दूसरा केस देख लो, मिरर अभी भी कहां पे है बच्चों, मिरर अभी भी रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है v से तो इमेज भी ऊपर जाएगा, कितने से ऊपर जाएगा, v से। इस बात को ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है v से तो इमेज उल्टा आएगा, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, एक ये बात याद रखना, ठीक है, दूसरी क्या बात याद रखोगे कि मान लो आपका ये जो मिरर है ये इधर जा रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है आपका ये कहां रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है, तो मिरर अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो इमेज जो है 2v वेलोसिटी से उधर जाएगा, उसके डबल स्पीड से उधर जाएगा, ठीक है। एक ये बात याद रखना है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट अभी भी कहां पे है बच्चों तुम्हारा, ये रेस्ट पे है, अब मिरर जो है तुम्हारा ये ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, तुम खुद सोचो कि तुम्हारे सामने जो खड़ा मिरर है वो ऊपर जा रहा है तो तुमको अपना इमेज तो अभी भी दिख रहा है ना, तो इमेज जो है अभी भी कहां पे रहेगा, तुम्हारा रेस्ट पे रहेगा, इमेज जो है अभी भी कहां पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो इस पे भी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, मान लो ये मिरर है, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऑब्जेक्ट है ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है। तो क्या करोगे, देखो ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो इमेज उल्टा जाएगा, और जितने से ऑब्जेक्ट जाता है उतने से आएगा, तो इधर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, बोलो,
और जिधर मिरर जा रहा है ऑफ इमेज भी उधर ही जाता है और उसके डबल से जाता है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दोगे तो 6 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गई। ठीक है, तो आप इस तरह से किसी भी का वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। अगर किसी एंगल पे दिया रहेगा तो उसका कॉम्पोनेंट करके हम निकाल सकते हैं। तो ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला था प्लेन मिरर का। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपके लिए लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।